क्या आप लोग लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करते हो? अरे तो अपने कॉलेज में शुभ नाम है शायद अपने भाई को भी डेट पे साथ में लाई क्या खुशी नाम है इसका बेबी इग्नोर इसको नहीं पता प्यार से लोग एक दूसरे से निकनेम करोगे तुम गया क्या अभी तुम्हारी आवाज को क्या हुआ वो मैं साउथ इंडियन मूवीज के लिए डबिंग करता हूँ ना तो जब किसी को डराना होता है तो आवाज काम आती है अच्छा बाय द वे आई एम श्याम आई एम खुशी और दोस्ती के साथ साथ हो गया प्यार कुछ ही दिनों में हम रिलेशनशिप में भी आ गए और उसी के कुछ दिनों बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी क्योंकि कभी कभी जितनी एक्साइटिंग फर्स्ट मीटिंग होती है ना उतनी बाकी मीटिंग्स नहीं शायद वो कनेक्शन नहीं था या हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए या मैं ही रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था लेकिन पॉइंट ये है कि खुशी के साथ मैं खुश नहीं था तो आज ऑलमोस्ट एक महीने बाद मैं उससे ब्रेकअप करने वाली हूँ क्या तो ऐसी शक्ल क्यों बनाई यार कितने दिन बाद मिल रही लाइट अप खुशी सुनो आई थिंक ये तुम्हें भी फील हो रहा होगा जब से हम ऑफिशियली एक साथ आए तब से सच में ब्रेकअप कर रहे हो क्या सुनो तो शायद अभी मैं मतलब बेटर है अभी इतना टाइम नहीं हुआ तो एक्सक्यूज मी हाँ क्या हुआ भाई तू ब्रेकअप कर रहा है अभी हमें बस बोलने वाला था पापा के लिए बटर चिकन पैक कराने के लिए भाई मत बोल बटर चिकन पैक करने को क्यों अब पापा को चिकन टिक्का नहीं पसंद तो बटर चिकन ही बोलेंगे पैक कराने के लिए क्योंकि चिकन टिक्का के पापा अपने कॉलेज के डीन है क्या अरे हाँ तू आके मिल मेरे से जल्दी तुम्हारे पापा तो वेजिटेरियन है फिर बटर चिकन ध्रुव ध्रुव के पापा के लिए एनीवेज तुम शायद ब्रेकअप करने वाले थे नहीं नहीं ओके फाइन बताता हूँ कल हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी है तो मैंने तो तुमने तो मैंने उसे बोल दिया उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन लिए सही खेल गया बट उसने बताया क्यों नहीं उसके बाप दी ने भाई उसे लगा होगा तू डर जाएगा एक महीना ही तो वह सोचा का थोड़ा टाइम बाद बता देगी तो ब्रेकअप क्यों नहीं कर सकता भाई तू ब्रेकअप करेगा वो रोएगी उसके बाप को पता चलेगा वो तेरे को कॉलेज से तो निकालेगा ही साथ में किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी करियर खत्म मोहब्बत नहीं देखी क्या तू उसके साथ रहो वो तो गलती से भी मत करियो मोहब्बत की एक्चुअल स्टोरी तो ये कि बाप को पता चलता है बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में फिर वो उसे निकालता है करियर खत्म करता है फिर ऐश्वर्या सुसाइड कर लेती है तो वेंचर करो क्या सुसाइड कर लो ऐश्वर्या राय की तरह भाई कितना तो वैसे तू कुछ ऐसा कर विदाउट हर्टिंग हर कि वो तेरे से ब्रेकअप कर ले ओ जैसे कि वेंचर सबके आंसर्स नहीं है जाके अपने बाप से पूछ सीरियसली क्यों ले रहा है यार मजाक था पापा बोलो वो एक बात पूछनी थी पहले ये बताओ तुमने असाइनमेंट किया या नहीं हाँ हाँ डायरी देख लो पूछो मेरे होने के 6 महीने बाद मम्मी हमें क्यों छोड़ के गई इसके सामने अंकल मैं तो भाई जैसा हूँ मुझसे क्या छुपाना तो बात सन 1980 की है। पापा थोड़े शॉर्ट में यूट्यूब है फीचर फिल्म नहीं फाइन तो शादी के पहले की मुलाकातों में तुम्हारी मम्मी को मैं पूरा जेंटलमैन लगता था जो कि मैं था भी और जैसे शादी हुई और तुम्हारी मम्मी ने मेरा असली रूप देखा जैसे कि लड़के होते हैं एक्चुअली ये देखने के बाद लड़कियों को सदमा लग जाता है बस वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई मतलब चली गई डिवोर्स लेकर चली गई वाओ तो आप समझे मैं समझाता हूँ थैंक यू पापा हमारे दिमाग में ये चीज ऑलरेडी स्टोर्ड होती है कि लड़कियों के सामने अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है मतलब प्यारी बातें करना अच्छे कपड़े पहन के मिलना वेल मैनर्स मतलब बेंचर पूरी ऋतिक रोशन वाली पर्सनालिटी दिखानी है लेकिन अगर मैंने ये फिल्टर हटा दिया तो डेट के लिए रेडी मैं बस 5 मिनट में आ रही हूं वो आज थोड़े कंफर्टेबल कपड़े पहनने का मन था चलो क्यों बे हमेशा लड़के क्यों पे करे मेरे बाप जमींदार लगता है देखो टक्सली छोड़ के गया था मेरे लिए ये न्यूज़ देखी अंबानी गोद ले रहा है मेरे को रख बीच में रख इट्स ओके वी कैन स्प्लिट स्प्लिट विट नहीं मैं वॉलेट घर पे भूल गया तो सब तुम ही दे रही हो पागल और आगे जाएगा डूब जाएगा वापस आ बोलो ना क्या बोल रही थी ए चिरकुंडे वापस आ बोलो ना गौरतीला निकलेगा खा जाएगा तेरे को अक्कल है क्या अभी बोलो ना चुप क्यों
श्याम, मैं मोटी लग रही हूँ क्या? हाँ, मीठा थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें शायद इस टॉप की वजह से लग रहा होगा। पहुंच गए जनवरी का सोचो सैया जून पे पहुंच चले डेट पर। हाँ लेकिन तू समझ गई कि तू क्या ट्राई कर रहा था। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते ना एकदम खुल के, वैसे ही तू मेरे साथ रह रहा था ताकि हमारा बॉन्ड ना और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और हमारे बीच ना डिस्टेंस भी ना रहे, है ना। अब से मैं भी ऐसी रहूंगी पूरी चिल। क्या बोलता बंटा, चले सारे हिसाब। भाई वो इंप्रेस हो गई। हाँ। भाई मतलब तेरे पापा कुछ अलग ही किस्म के जानवर वाली हरकतें करेंगे कि आंटी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ओए सॉरी। अच्छा सुन, एक आइडिया और, ये बेस्ट है। यार ऐसे थोड़ी दबदबा बनाए रखना पड़ता है यार, वरना कोई भी टूट गया। अबे साले मारा क्यों? कल 3 बजे पिछली वाली रोड पे मिल, रीजन भी वही बताऊंगा और पीलूंगा भी वही। अबे साले पुलिस के बाहर नहीं चल भाई, इसको कल देखते हैं। अरे आज पजामा नहीं पहना। वो डबिंग के लिए जाना ना, उधर थोड़ी रेपुटेशन है। चिरकुट साले, इसको थप्पड़ कैसे मारा तूने कल? बदाम साले। अरे मैंने कहा थप्पड़ और बोला हमें पहले लगा इधर 3 बजे। अरे सुनो, ले बच गए 3 आकर पहले हमें, नहीं तो हम पहलेंगे तुझे तेरी बंदी के सामने। एक सेकंड मैं आया। बदाम क्या प्रॉब्लम है भैया? थोड़ी मारा भैया, मेरा जुड़वा भाई हो गया भैया, प्लीज माफ कर दो भैया। अरे माफ कर दो भैया मेरे को, मैंने कुछ नहीं मारा भैया, मैं आपके पैर पड़ता हूँ ना भैया, माफ कर दो ना भैया। इसी ने मारा था ना? हाँ भैया यही था भैया, मैंने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मत मारो भैया प्लीज। सॉरी भैया। बस किसी की भी गर्लफ्रेंड अपने बंदे को गिड़गिड़ाता हुआ देख लेना, उसके लिए उसकी सारी इज्जत चली जाती है। मेरे ब्रेकअप का रीजन भी यही था। ठीक है इसके पाँव छू, सॉरी बोल, छोड़ देंगे तुझे। देखो आप लोग, मैडम लड़कियां इन चक्करों में नहीं फंसती, आप गाड़ी में बैठे। लेफ्ट पैर या राइट पैर? दोनों। लड़कियां किन चक्करों में फंसती है वो तो मेरे बाप ने भी मुझे नहीं बताया, तो तू कौन होता है? दीदी भैया बाद में बेल दे, रीजन जो बता देते कि आ गया हमने। रोया करता था, गले लगा के रोया करता था। इट्स ओवर रायान। शाम। अरे खुशी सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहता हूँ। मीट आर्ची। नहीं नहीं स्कूल तो एक था, बस फ्रेंड्स नहीं थे। हाँ वी वर डेटिंग इन स्कूल, कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक। कि तुम्हारी एक्स है? हाँ। लंच करें आप? लेट्स गो। आप समझ गए ना इधर क्या चल रहा है? खुशी रियलाइज करेगी कि आर्चर और मेरा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, फिर गिल्टी फील करेगी और बोलेगी इट्स ओवर। मजा आएगा। I'm sorry, बड़ा क्लीशे से सवाल है, but ब्रेकअप किसने किया था? किसी ने नहीं, वो कहते हैं ना लव लेफ्ट अस, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। क्या हुआ? मैंने ब्रेकअप किया था और ये 3 महीने तक रोज मुझे मैसेज करता रहा, प्लीज टेक मी बैक, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता, क्या बोल रही हो? झूठ है, मैंने तो उसे हर जगह से ब्लॉक भी कर दिया था, फेसबुक व्हाट्सएप, ये ईमेल भेजता था। तुम भी ना,
चलो ये छोड़ो, तुम्हें वो याद है हम एक साथ लोनावला गए थे अकेले, जब तेरा खड़ा नहीं हो रहा था टेंट पीछे जाके। टेंट में रहेंगे, लेकिन टेंट तो खड़ा हुआ ही नहीं। मैं तो चली गई होटल, लेकिन ये पूरी रात जंगलों में अकेला सोया। बड़ी मजाक है, जब हम एग्जाम के टाइम एक साथ पढ़ाई करते थे ना रात को, तब भी ऐसे ही मजाक करती थी। प्लीज तू शायद भूल गया उस रात। बस आके कुछ मत बोलिए। स्कूल का चंपू, तू तो बड़ी दीपिका पादुकोण थी ना। गरीबों का नवाजुद्दीन बोलते थे तुझे स्कूल में। कॉम्प्लीमेंट था वो। बेइज्जती थी बे। बेइज्जती उनकी होती जिनकी कोई इज्जत होती है, तेरी तो कोई। चिल, सॉरी मैंने पूछा। मुझे पता ही दिल का अच्छा है, लेकिन बहुत इरिटेटिंग है। हैट्स ऑफ टू यू इसे झेलने के लिए। झेलते तो रिलेशनशिप में सभी, बट जब असली कनेक्शन हो ना तो उनकी इरिटेटिंग हरकतों से भी दिल को सुकून मिलता है ना। दुनिया है दीवानी। दुनिया है दीवानी, कैसी है बेचैनी, हर कोई तो कुछ ना कुछ चक्कर में है, जैसे चूती का दिल सारा शक्कर में है, लगी है जान। भाई मैं गलत कर रहा था, वो तो मेरे लिए परफेक्ट है, मैंने कैसे सोचा कि ना उसका बाप। हाँ तो क्या हुआ, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं अभी जाके उसको सच बोल दूंगा, सॉरी बोलूंगा, आई लव यू बोलूंगा, और अभी बोल दूंगा। भाई अपने करियर का तो सोच, तेरी फैमिली की। अभी सब खानदानी जानवर का है। सुनो अपने घर के बाहर आओ ना। हाय से अचानक। हाँ एक नहीं नहीं अच्छा है, मुझे भी तुमसे बात करनी थी। अंदर बात करें? नहीं नहीं इधर ही, मैं बोलता हूँ। अच्छा छोड़ो, पहले तुम बोलो। बोलो ना। It's over, शाम। क्या? कितना obvious है कि तुम relationship के लिए ready नहीं हो। पागल नहीं हूँ मैं, पता चलता है मुझे कि तुम ये हरकतें जानबूझ के कर रहे हो, और दुख भी होता है। तुम्हें पता था? You know, अगर तुम actually ऐसे होते ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसा फील होता है जब दिखता है कि कोई इतनी मेहनत कर रहा है आपको अपनी लाइफ से लात मारने के लिए। अभी तक मैं खुद को बस यही कन्विंस करके आ रही थी कि मैं ही गलत हूँ, पर अब खुश है। एक्चुअली वो ध्रुव ने मुझे अब खत्म कर दिया। तुमने भी तो झूठ बोला, मैंने तो बुरा नहीं माना। मैंने क्या झूठ बोला? तुम्हारे पापा अपने कॉलेज के डीन है, बताया क्यों नहीं? मेरे पापा मैनेजर है सी मार्ट में, जाके मिल लो। इधर दौड़ा है उधर दौड़ा है, ये जीना यारों दौड़ा है, कोई आगे है कोई पीछे है, बस भागम भाग है दौड़ा है, पैसों की है दौड़ गई। भाई सॉरी, जिसके पापा डीन है उसका भी नाम खुशी है, खुशी त्यागी, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मुझे भी अभी पता चला। कोई बात नहीं भाई, दर्द की वजह से रो रहा है, खुशी के आंसू, आई मीन खुशी के लिए आंसू है। भाई वो देख खुशी बैठी है। छोड़ यार, खाना ऑर्डर करते हैं। ओ भैया, पापा पापा, अभी तेरे पापा। पापा आप, मुझे पता था तू यही लफंडरबाजी कर रहा होगा, पढ़ाई लिखाई तो कुछ करनी है नहीं, बस बैठ के प्यार की कथाएं लिख। पापा ऐसा क्या किया मैंने? हाँ ये जो डायरी डायरी करता रहता ना, पढ़ी मैंने, अब बताओ क्या कथाएं लिखता है तू। पापा घर पे चल के बात करते हैं। आज मैंने जाना कि लव एट फर्स्ट साइट जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हम कितनी आसानी से दूर से देख के किसी से प्यार कर लेते हैं, और उतनी ही आसानी से डिसाइड करते हैं कि अब वो कनेक्शन नहीं। और मैंने ये दोनों गलतियां की, ये असाइनमेंट हो रहा है। पापा सुनिए तो। और मैंने जो खुशी के साथ किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चूजिया हूँ मैं एक नंबर का। चूजिया नहीं, चूजिए। गालिब साहब ने आगे और लिखा है, बस दुख इस बात का है कि मैं खुशी के लिए जो फील करने लगा था वो फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि मैं उसके लिए दुनिया से लड़ लेता, बिल्कुल सनी पाजी की तरह कदर में। लेकिन इस स्टोरी का तो असली विलेन मैं ही था, कभी बाप के बारे में सोचा है इतना? पापा ऐसा नहीं है। सॉरी खुशी, आई होप एक दिन मुझे चांस मिले तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाने का, जो तुम असल में डिजर्व करती हो। ये आशिकी चलती है कॉलेज में। कॉलेज तुम जा, मेरा मतलब तूने ही बिगाड़ा इसे। तो तुझे तो मैं घर में देखूंगा, अभी जाता हूँ तेरे पापा से मिलने। और कितना एम्बैरेस करोगे मुझे? सॉरी खुशी, पता नहीं सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। एक बात बोलूं? हाँ। तुम सच में एक नंबर की चूजी हो। दुनिया है दीवानी। कैसी है बेचैनी। दुनिया है दीवानी। कैसी है बेचैनी, हर कोई तो कुछ ना कुछ चक्कर में है, जैसे चूती का दिल सारा शक्कर।
फालतू में इतना रुलाया। इधर दौड़ा है उधर दौड़ा है, ये जीना यारों दौड़ा है, कोई आगे है कोई पीछे है, बस भागम भाग है दौड़ा है, पैसों की है दौड़ गई। पापा सॉरी बेटा, वो थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई। पापा अब बेटा, इसने मुझे बताया कि शाम को हमारी जरूरत है, और तुझे तो पता ही है ना, जब बाप की चप्पल बेटे को आने लगती है तो बेटा बेटा नहीं रहता, वो दोस्त हो जाता है। अंकल इतने अच्छे डायलॉग तब मारने थे ना। हाँ लेकिन तुझसे तो अच्छी एक्टिंग किया ना मैंने, 50 रुपए काट इसकी ओवर एक्टिंग के। अच्छा खुशी मिली क्या? नहीं हाँ। अब बेटा मुझे नहीं मालूम था कि तुम भी इतने अच्छे राइटर हो सकते हो। बिल्कुल बाप से गया।